माता जी ने कहा, माशा जी आप इतना दानी हो, मैं चाहती हूँ या छोटे छोटे स्कूल चलते हैं, बड़े दो स्कूल बना दो। माता जी कोई बात नहीं, मुझे आशीर्वाद दो, बड़े स्कूल ही बनेंगे। ये स्कूल शुरू किया हमने, वहाँ गया था खुद, बहुत जगह अच्छी है। असम में डीफू के विधायक दलोई जी के निमंत्रण पर 1972 में दयानंद सेवाश्रम ने लंबे समय से आतंकवाद से ग्रस्त कार्बी आंगलोंग आदिवासी क्षेत्र में सभी को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। पृथ्वीराज शास्त्री जी, आनंदबोध जी, श्रीमती प्रेमलता शास्त्री जी और उनके सहयोगियों ने कार्बी आंगलोंग आदिवासी क्षेत्र में स्थित बोकाजान जिले में लड़के लड़कियों के लिए छात्रावास एवं विद्यालय की स्थापना की। आज ये विद्यालय और छात्रावास बोकाजान और उसके आसपास के इलाकों में शिक्षा संस्थाओं के अभाव को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दयानंद सेवाश्रम इसे अपना दायित्व मानता है कि संस्थान के बच्चों के रहन सहन और शिक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई अथवा अड़चन न आने पाए, किंतु इस दायित्व का पालन करने में दयानंद सेवाश्रम को नई चुनौतियों का सामना अवश्य करना पड़ता है। 80 और 90 के दशक में भारत के उत्तर पूर्व में जब आतंकवाद ने पैर फैलाए तो दयानंद सेवाश्रम ने आतंकवाद से पीड़ित परिवारों के बच्चों को अपनी संस्थाओं में शरण दी। आज ये बच्चे अपने भविष्य को लेकर आशावादी हैं एवं देश और समाज में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। CBSE लेवल का जो स्कूल बनने जा रहा है 12वीं तक का, अद्भुत स्कूल ये होगा। आसपास की लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में हमें कोई स्कूल नजर नहीं आ रहा जहाँ की ये बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। ये हमारा एक प्रयास रहेगा अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ का और इस समाज का कि इस बिहड़ जंगलों में भी इन बच्चों को, इन गांव के लोगों को शिक्षित करके हम मुख्य धारा में जोड़ सके। दयानंद सेवाश्रम परिवार के लिए माता प्रेमलता शास्त्री एक अद्भुत प्रेरणा स्रोत है। आर्य समाज सैनिक विहार के सहयोग से दिल्ली में कन्याओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी की गई है। आतंकवादियों द्वारा घर जलाए जाने पर दिमासा जनजाति की इन कन्याओं को दयानंद सेवाश्रम ने यहां पुनर्वासित किया। आज ये कन्याएं SMRA स्कूल में अपनी शिक्षा पुनः आरंभ कर पाई हैं। जब पहला विद्यालय खोला था तो लगता था कि बहुत कुछ किया। आज 60 विद्यालय लगभग चलते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी आवश्यकता अभी शेष है। आर्य समाज ने और दयानंद सेवाश्रम संघ ने निर्णय लिया कि इस संख्या को लगभग लगभग 10 गुना हमें अगले 5 वर्षों में बढ़ाना ही है। पहले स्तर पर जो विद्यालय चल रहे हैं उनकी क्षमता को बढ़ाया जाए, वहाँ पर कमरों की संख्या को बढ़ाया जाए, वहाँ पर बच्चों की संख्या को बढ़ाया जाए। जिन गाँवों में, जिन कस्बों में आज भी विद्यालय नहीं है, वहाँ नए विद्यालयों की स्थापना की जाए। जहाँ पर विद्यालय हैं लेकिन छात्रावास नहीं है, वहाँ पर छात्रावासों को जोड़ा जाए। इस प्रकार से एक विस्तार का आरंभ आर्य समाज ने किया है और मैं समझता हूँ कि वर्तमान में जो अधिकारी हैं दयानंद सेवाश्रम संघ के, बहुत ही निष्ठा से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और शीघ्र ही आपको लगेगा कि अनेक नए से नए विद्यालय और नए नए छात्रावास खुल करके अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने की ओर चल पड़े हैं। हर बच्चे की शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति ही दयानंद सेवाश्रम के मानव निर्माण कार्यों का उद्देश्य है। दयानंद सेवाश्रम आशा करता है कि छात्रों को दी गई संस्कारवान शिक्षा उनके जीवन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी और वे देश भर में अपना और अपनी संस्था का नाम रोशन करेंगे। विद्यादान महादान, ओम शांति शांति शांति।